बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टेबल टेनिस। प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ा था बैडमिंटन का, उसमें मैंने आपको बताया था कि बैडमिंटन एक इंडोर गेम है। इसी तरह से जो टेबल टेनिस है ये भी एक इंडोर गेम है। इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इंडोर गेम्स वो गेम्स हैं जिनको हम एक बंद कमरे या हॉल में खेलते हैं, और आउटडोर गेम्स वो गेम्स हैं जिनको हम बाहर ग्राउंड में या मैदान में खेलते हैं। इंडोर इन गेम्स को खेलने का मकसद क्या है कि इन पे हवा बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होती है। जैसे कि बैडमिंटन का खेल आप बाहर ग्राउंड में खेलते होंगे, हर किसी ने खेला होगा। आप जब बैडमिंटन का खेल बाहर ग्राउंड में खेलते हैं तो आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो वो बैडमिंटन के शटल की डायरेक्शन चेंज कर देती है। इसी तरह से जो टेबल टेनिस है इसकी भी बॉल बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है, तो जब आप इसको बाहर खेलेंगे खुले में तो इसकी जो हवा है इसकी टेबल टेनिस की बॉल की डायरेक्शन भी चेंज कर देगी, हवा असरअंदाज होगी, तो जो है आपके खेलने पे इफ़ेक्ट आएगा उसका। इसी तरह से जो है बैडमिंटन की तरह टेबल टेनिस में भी सिंगल्स और डबल्स के कंपटीशन होते हैं। सिंगल के मैचेस भी होंगे इसमें और डबल के मैचेस भी होंगे। इसमें जो इक्विपमेंट जो इस्तेमाल होते हैं वो बॉल है, टेबल है और रैकेट्स हैं। अब इन चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टेबल। टेबल टेनिस के खेल में जो टेबल यूज़ होगा उसकी सतह बिल्कुल हमवार होगी, बिल्कुल खुरदरी नहीं हो सकती, और मेज़ की जो शक्ल है वो मुस्ततील होगी। इसी तरह से मेज़ की जो लंबाई है वो 2.74 मीटर होगी, और मेज़ की जो चौड़ाई है वो 1.52 मीटर होगी। ज़मीन से 76 सेंटीमीटर जो है ये टेबल ऊंचा होगा, और टेबल की जो मोटाई है इसकी 1 इंच होगी या फिर 2.5 सेंटीमीटर जो है टेबल की मोटाई होगी। टेबल की चारों साइडों पर जो है 2 सेंटीमीटर चौड़ी सफ़ेद पट्टी लगाई जाएगी, जैसे कि ये आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा। साइड्स पे जो है वाइट कलर की पट्टी लगी हुई है, ये पट्टी 2 सेंटीमीटर चौड़ी होगी। और टेबल को जो है डबल्स के कंपटीशन के लिए इसको हम सेंटर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे लंबाई के रुख, तो डबल्स के मुकाबलों के लिए इसको डिवाइड करने के लिए जो पट्टी लगाई जाएगी वो 3 सेंटीमीटर चौड़ी होगी। ये आपको इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा। लंबाई के रुख एक लाइन लगी हुई है, ये टेबल को लंबाई के रुख 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ये 3 सेंटीमीटर जो है ये चौड़ी होगी। अब जो है टेबल टेनिस के मेज़ को देखने के लिए कि आप एक स्टैंडर्ड टेबल यूज़ कर रहे हैं या नहीं, इसको जांचने का तरीका ये है कि आप टेबल टेनिस का एक बॉल लेंगे, उसको 30 सेंटीमीटर ऊंचाई से जो है आप टेबल पे गराएंगे। अगर वो टेबल 28 सेंटीमीटर जो है वापस आता है तो इसका मतलब है कि आप एक स्टैंडर्ड टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 28 से कम आता है या 28 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि वो एक स्टैंडर्ड टेबल नहीं है। उसके बाद जो है इसमें नेट है। टेबल को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए जो है सेंटर में एक नेट लगाया जाता है, बिल्कुल जो है दरमियान में लगेगा ये नेट। नेट का जो निचला हिस्सा है वो मेज़ के साथ होगा, और नेट की जो बुलंदी है वो 15.25 सेंटीमीटर होगी, और नेट की जो लंबाई है वो 1.83 मीटर होगी। नेट ज़मीन की नेट जो है मेज़ की चौड़ाई के रुख दोनों साइडों पे जो है 15.25 सेंटीमीटर बाहर पोल्स के साथ बंधा होता है, यानी कि 15.25 सेंटीमीटर नेट बाहर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसके रैकेट हैं। टेबल टेनिस के खेल में जो रैकेट इस्तेमाल होते हैं वो बैजवी शक्ल के होंगे। इसको पकड़ने के लिए एक हैंडल होगा जहाँ से रैकेट को पकड़ा जाएगा। खेलने वाला जो हिस्सा है वो प्लाईवुड का बना होगा जिस पर दोनों तरफ रबड़ की तह चढ़ी होती है और बॉल को खेलने में मदद देती है। जब कोई खिलाड़ी मैच के दौरान अपना रैकेट चेंज करेगा तो वो पहले अंपायर को बताएगा, उसके बाद जो है वो अपना रैकेट चेंज करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है टेबल टेनिस बॉल है। टेबल टेनिस के जो बॉल्स हैं वो वाइट या येलो कलर के होंगे। ये शक्ल जो है इसकी गोल होगी, ये सेलोलाइड या फिर प्लास्टिक के मटेरियल का बना होगा। ये बिल्कुल लाइट वेट होता है। इसका जो वेट है वो 2.7 ग्राम होगा, और इसका जो कतर है 40 मिलीमीटर होगा। ये 4 चीज़ें हैं जो कि टेबल टेनिस का मैच खेलने के लिए इस्तेमाल होंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।